Hello everyone, this is the new series of port. So today my topic related to the port. Port आपने word जो है वो सुना होगा, technology used in e-commerce या फिर computer से related networking के क्षेत्र में आपने इसके बारे में सुना होगा. So ports के बारे में आज हम बात करने वाले हैं. What is the meaning of port? हमने IP address के बारे को define किया था कि हम internet protocol का use हम कहाँ करते हैं. जब हम इंटरनेट पे कोई भी इंफॉर्मेशन एसेस करने की कोशिश करते हैं, वेब पेजेस को एसेस करने की कोशिश करते हैं विद द हेल्प ऑफ द आईपी एड्रेस. सो आईपी एड्रेस हमें हेल्प देता है कि प्रॉपर वे से जो इंफॉर्मेशन हमारी जाए वो प्रॉपर उसी डेस्टिनेशन पर जाए. इसके लिए हम आईपी एड्रेस को यूज करते हैं. आईपी एड्रेस एक लोअर लेयर होती है. दे हैंडल द एड्रेस पार्ट ऑफ ईच पैकेज. जितने भी मैसेज को पैकेट में डिवाइड किया जाता है, स्मॉलर पैकेट में डिवाइड किया जाता है, तो वो पैकेट एक पार्टिकुलर उसी ही डेस्टिनेशन तक पहुंचे, जहां तक पहुंचाने हैं उसके लिए हम आईपी का यूज करते हैं. आईपी एड्रेस जो है वो माना किसी भी लोकेशन का हो सकता है, सिटी का कोई आईपी एड्रेस है, लेकिन उस आईपी एड्रेस सिटी में किस घर पे जाना है वो पोर्ट डिसाइड करता है. क्लियर है? इससे आप समझ सकते हैं कि एक गांव है, वो गांव एक आईपी एड्रेस हो सकता है, लेकिन किसी गांव का जो घर पार्टिकुलर घर है वो पोर्ट कहलाता है. सो पोर्ट इज एप्लीकेशन स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर. एक ऐसी एप्लीकेशन है, एक ऐसा प्रोसेस है सॉफ्टवेयर का जो कम्युनिकेट करता है एंड पॉइंट से, कंप्यूटर के एंड पॉइंट की कम्युनिकेट करेगा जो होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कनेक्शन क्रिएट करता है. अब माना आपने कोई फाइल ट्रांसफर करनी है या डाउनलोड करनी है, तो वहां पे फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल चलता है. तो वो जो कम्युनिकेशन है सॉफ्टवेयर के साथ कि फाइल ट्रांसफर हो रही है, तो कौन सा जो सर्वर है, सॉफ्टवेयर है, वो क्या रीड करेगा कि फाइल ट्रांसफर हो रही है, तो वो किसके माध्यम से रीड करेगा? वो पोर्ट के माध्यम से रीड करेगा. पोर्ट उसको अंडरस्टैंड करवाएगा कि ये फाइल ट्रांसफर हो रही है, ये सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, ये आपका ग्राफिक प्रोटोकॉल है. तो इसलिए इसी ये हर मतलब कोई भी काम होता है उसके लिए आपको कोई ना कोई पोर्ट नंबर चाहिए. उस पोर्ट नंबर की सहायता से हम ये पता करते हैं. तो इसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे कि पोर्ट क्या होता है. अब नेक्स्ट वन हम इसमें स्टडी करने वाले हैं. द पर्पज ऑफ पोर्ट इज टू यूनिकली आइडेंटिफाई डिफरेंट एप्लीकेशन रनिंग टू सिंगल कंप्यूटर. एक कंप्यूटर पे बहुत सी एप्लीकेशन रन होती है. आप फाइल ट्रांसफर करते हैं, आप मेल ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है, आप गोफर का यूज कर रहे हैं, इसके अलावा बहुत सी एक्टिविटी आप एक साथ रन करते हो. सो उसके लिए क्या होता है कि आपको एक साइड जब आप एक्टिविटी रन करते हैं तो वहां पे उस इंटरनेट प्रोटोकॉल भी यूज होता है, जहां पे ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल यूज होता है. और ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल बहुत से प्रोटोकॉल को क्या करता है, साथ में लेकर काम कर सकता है. तो अब वो अपना अपना काम करेंगे. फाइल ट्रांसफर का काम करेगा, सिंपल मेल ट्रांसफर जो है सिंपल मेल ट्रांसफर का काम करेगा. सो गोफर प्रोटोकॉल जो है वो सर्चिंग रिट्राइविंग डॉक्यूमेंट करने के लिए यूज किया जाता है इंटरनेट नेटवर्किंग पे. तो ये सारी चीजें जो है वो एक सिंगल कंप्यूटर से एक टाइम में आप करते हैं, तो वो डिफरेंट पोर्ट के माध्यम से हो सकते हैं. फाइल भी ट्रांसफर करो उसके लिए अलग पोर्ट चलेगा, आप मेल भी करो उसके लिए अलग पोर्ट चलेगा. तो ये सारी चीजें जो हैं वो पोर्ट के माध्यम से की जाती हैं. अब इसके अलावा हम बात करते हैं कि जो प्रोटोकॉल है, द प्रोटोकॉल दैट प्राइमरी यूज टू पोर्ट. पोर्ट को यूज करने के लिए हमें टीसीपी का यूज करना पड़ता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल. पोर्ट को यूज करने के लिए टीसीपी और यूडीपी यूज किया जाता है, यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल और इंटरनेट सॉरी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल. इन दोनों का यूज किया जाता है पोर्ट में. सो पोर्ट बनाने के लिए पोर्ट्स के जो नंबरिंग होती है उसमें कौन से प्रोटोकॉल यूज होते हैं? टीसीपी एंड यूडीपी. बोथ प्रोटोकॉल जो टीसीपी और यूडीपी है, इन प्रोटोकॉल की जो नंबरिंग है वो जीरो से स्टार्ट होती है और ये नंबरिंग जो है 65,535 तक हो सकती है. यानी कि जो भी पोर्ट नंबर है वो जीरो से स्टार्ट होके 65,535 तक हो सकते हैं. जैसे 20 आपका ट्रांसमिशन फाइल प्रोटोकॉल डाटा ट्रांसफर से रिलेटेड है, 21 आपका एफटीपी से रिलेटेड है, उसके कंट्रोल से रिलेटेड है, तो सिंपल मेलिंग ट्रांसफर प्रोटोकॉल के लिए 25 प्रोटोकॉल है. तो यानी कि आपकी नंबरिंग पोर्ट की यहाँ पे डिसाइड हो जाती है.
द पोर्ट नंबर आइडेंटिफाई व्हाट टाइप ऑफ पोर्ट इज इट. पोर्ट नंबर होते हैं जैसे 21, 19, 16, 17. ये जो पोर्ट नंबर है इनका स्पेसिफिक काम होता है, स्पेसिफिक एक्टिविटी है करने की. तो आइए इसके बारे में जानते हैं कौन कौन सी पोर्ट्स नंबर है. पहला है 20. सो जब हम फाइल ट्रांसफर करते हैं, कोई भी फाइल को हम ट्रांसफर करेंगे, अपलोड करेंगे, डाउनलोड करेंगे, तो उसके लिए आपका पोर्ट नंबर 20 चलता है. और इसमें जो प्रोटोकॉल यूज किया जाता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है. और इसका मेन काम है जब डाटा ट्रांसफर कर रहे हैं. 21 पोर्ट नंबर वहां यूज किया जाता है जब हम फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल की कंट्रोल कमांड करते हैं, उसको फाइल को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं. सिंपल मेलिंग ट्रांसफर प्रोटोकॉल के लिए हम 25 पोर्ट नंबर यूज करते हैं. 53 पोर्ट नंबर के लिए हम डोमेन नेम सिस्टम, यानी किसी तरह का डोमेन नेम है, .in, .org, तो ये सारे डोमेन नेम होते हैं जिसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, तो उसके लिए 53 पोर्ट नंबर यूज किया जाता है. गोफर, गोफर में होता है कि आपने जब इंटरनेट में किसी भी तरह का रिट्राइव डाटा करना है, आप डाटा को रिट्राइव करते हो, तो ये सारी इंफॉर्मेशन के लिए हम गोफर का यूज करते हैं. अब इसके गोफर के लिए कौन सा पोर्ट यूज किया जाता है ये भी आपको पता होना चाहिए कि गोफर के लिए कौन सा पोर्ट यूज किया जाता है. ये दिस इज द 70 पोर्ट नंबर. सो गोफर प्रोटोकॉल जो है इज ए कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल. एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो सर्च करने के लिए कम्युनिकेट करता है, डिस्ट्रीब्यूटिंग करने के लिए कम्युनिकेट करता है, डॉक्यूमेंट को रिट्राइव करने के लिए हेल्प करता है. नेक्स्ट वन है HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल के लिए पोर्ट नंबर 80 यूज किया जाता है. तो उसी तरह पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3, यानी कि ईमेल करने के लिए आपको जो है पोर्ट नंबर 110 यूज किया जाता है. सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल के लिए 115, ग्राफिक मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल के लिए आपके पास यूज किया जाता है 153. सिंपल गेटवे मॉनिटरिंग प्रोटोकॉल जो HGMP है, इट्स अ फुल फॉर्म ऑफ सिंपल गेटवे मॉनिटरिंग प्रोटोकॉल. सो इसके साथ साथ हम इनकी फुल फॉर्म भी स्टडी कर लेते हैं. पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3, POP की फुल फॉर्म होती है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, डोमेन नेम सिस्टम. SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, FTP की फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल. ये पोर्ट नंबर है, आपने याद रखने हैं कैसे किस काम के लिए यूज होते हैं. अब जो पोर्ट नंबर है वो 16-बिट वैल्यू का होता है और एक कंप्यूटर नेटवर्किंग और सॉफ्टवेयर प्रोसेस आइडेंटिफाई 16-बिट वैल्यू. जितने भी सॉफ्टवेयर है जो पोर्ट को आइडेंटिफाई करते हैं वो 16-बिट वैल्यू के होते हैं. ई सॉफ्टवेयर प्रोसेस से नेटवर्क असाइंड यूनिक पोर्ट नंबर. जैसे कि हमने बोला कि जितने भी नेटवर्किंग पे हम काम करते हैं, इंटरनेट पे काम कर रहे हैं, तो उसको यूनिक जो नेट यूनिक पोर्ट है वो उन पोर्ट को वो क्योंकि कंप्यूटर बाइनरी नंबर को अंडरस्टैंड करता है. और जो ये पोर्ट नंबर बताए गए हैं 20, 21, 25, तो इनका जो डिफरेंट डिफरेंट काम होता है तो उसको वो सॉफ्टवेयर नेटवर्किंग अंडरस्टैंड करता है. ए पोर्ट नंबर इज कम्बिनेशन ऑफ प्रोटोकॉल एंड द कंप्यूटर आईडी एड्रेस. सो पोर्ट में हम क्या करते हैं, जो प्रोटोकॉल है जैसे कौन सा प्रोटोकॉल, TCP, और हम UDP के माध्यम से कम्युनिकेट करते हैं. और साथ में जो यूनिक आईडी एड्रेस होता है दैट यूनिकली आइडेंटिफाई द स्पेसिफिक प्रोसेस. पोर्ट नंबर के माध्यम से हमें ये पता लगता है कि हम किस तरह का स्पेसिफिक प्रोसेस कर रहे हैं और किस तरह की इंफॉर्मेशन डिलीवर कर रहे हैं, तो ये हमें पोर्ट नंबर से पता चलता है. अब पोर्ट नंबर में आपके पास सोर्स और डेस्टिनेशन होता है. सोर्स पोर्ट होता है, डेस्टिनेशन पोर्ट होता है. सोर्स पोर्ट नंबर डिफाइन द ओरिजिनेटिंग एप्लीकेशन ऑन द लोकल होस्ट, लोकल होस्ट. सो सोर्स पोर्ट का काम क्या होता है कि वो एक एप्लीकेशन ओरिजिनेट करता है होस्ट पे, होस्ट के पास. एंड द डेस्टिनेशन सोर्स है जहां से आप कोई चीज इंफॉर्मेशन एराइज कर रहे हो, ऑरिजिनेट कर रहे हो, ओरिजन कर रहे हो इन्फॉर्मेशन का. एंड डेस्टिनेशन वो होती है जहां तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंचानी है. सो
सो डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर डिफाइन द डेस्टिनेशन एप्लीकेशन ऑन द रिमोट होस्ट, कि जो रिमोट है, जो दूसरी जगह आपका कंप्यूटर है और जो आपका लोकल होस्ट है, तो लोकल होस्ट जो इंफॉर्मेशन को ऑरिजिनेट करता है तो उसको हम सोर्स पोर्ट कहेंगे, और जहां तक इंफॉर्मेशन को पहुंचानी है उसको हम डेस्टिनेशन पोर्ट कहते हैं। तो इस तरह से ये वर्क करता है, इस तरह से जो है इस सेगमेंट को डिवाइड किया जाता है। सोर्स पोर्ट से हम इंफॉर्मेशन ऑरिजिनेट करते हैं और डेस्टिनेशन पोर्ट तक वो इंफॉर्मेशन को हम पहुंचाते हैं, वहां तक हमें वो इंफॉर्मेशन को पहुंचाना होता है। तो ये पोर्ट का काम है। सिंपल अगर हम मीनिंग समझे इसका, तो पोर्ट का मतलब है कि प्रॉपर उस जगह तक इंफॉर्मेशन को पहुंचाना, कि आप क्या कौन सी एक्टिविटी कर रहे हो, कौन सी एक्टिविटी प्रोग्रामिंग कर रहे हो जो डेस्टिनेशन पोर्ट तक पहुंचनी है, वहां तक पहुंचानी है। क्लियर है?